एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं हम आपके लिए। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो नदी, उद्गम स्थल, दूरी, ये सभी पॉइंट्स देखेंगे हम। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। दूरी कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है वो उत्तराखंड है, और इसकी दूरी कितनी है? तो 1376 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए शारदा नदी। शारदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो उत्तराखंड है और इसकी दूरी 350 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए राम गंगा। इसका उद्गम स्थल भी उत्तराखंड है और 596 किलोमीटर इसकी दूरी है। सरयू नदी तिब्बत में है, 1080 किलोमीटर इसकी दूरी है। गंडक नदी नेपाल में है, 630 किलोमीटर इसकी दूरी है। राप्ती नदी नेपाल में है और 650 किलोमीटर इसकी दूरी है। ये सभी नदियाँ गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा, सरयू, गंडक, राप्ती, ये सभी नदियाँ हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिएगा गोमती। इसका उद्गम स्थल जो है वो पीलीभीत है, उत्तर प्रदेश में, 900 किलोमीटर इसकी दूरी है। वरुणा फुलपुर उत्तर प्रदेश, 100 किलोमीटर। सई नदी हरदोई में है, उत्तर प्रदेश में, 563 किलोमीटर दूरी है। और ये सभी नदियाँ गोमती, वरुणा, सई नदी, ये तीनों नदियाँ मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ हैं। आगे देखिएगा कुआनो वस्ती उत्तर प्रदेश में है, 112 किलोमीटर है इसकी दूरी। मनबार गोंडा उत्तर प्रदेश में है, 80 किलोमीटर दूरी। हिंडन सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, 400 किलोमीटर दूरी। कर्मनाशा बिहार में है, 192 किलोमीटर। तेरही टेढ़ी नदी जो है वैराज में है, 7 से 8 किलोमीटर इसकी दूरी है। अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ आगे देखिएगा चंबल, ये मध्य प्रदेश में, 1151 किलोमीटर दूरी है। बेतवा मध्य प्रदेश में है, 590 किलोमीटर दूरी। केन मध्य प्रदेश में उद्गम स्थल है, केन का मध्य प्रदेश में, और 490 किलोमीटर दूरी है। सोन का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है, 784 किलोमीटर दूरी है। सिंध का मध्य प्रदेश उद्गम स्थल है, 416 किलोमीटर दूरी है। कन्हार का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है, 100 किलोमीटर दूरी। रिहंद का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ है, 250 किलोमीटर। ये नदियाँ जितनी भी हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन, सिंध, कन्हार, रिहंद, ये सभी नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।